बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिंसा के जवाब में निकाला मौन जुलूस। राज्यपाल ने हालात को बताया चिंताजनक। उधर राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मारने पर सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा राज्य की दुर्दशा, सीएम गहलोत बोले नहीं बचेंगे दोषी। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण, दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम तबाह करने की क्षमता। नॉर्वे की नोबेल समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह संगठन साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा के जरिए देशों की आबादी को मूलभूत ताकत दी जा सके। चीनी ऐप टिकटॉक को अब पाकिस्तान में भी बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है, क्योंकि यह चीनी कंपनी अवैध ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र के विकास के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने में विफल रही। लग्जरी कार मेकर कंपनी मर्सिडीज ने भारत में अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक SUV मर्सिडीज EQC को लॉन्च कर दिया। कार की कीमत 99,30,000 रुपए है। हालांकि यह कीमत कार की पहली 50 यूनिट पर ही लागू होगी। पहले फेज में कार 6 बड़े शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में उपलब्ध होगी। खास बात है कि कार फुल चार्ज होकर करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है और कंपनी इसकी बैटरी पर 8 साल की वारंटी दे रही है।